Hello student, today we are going to discuss chapter 1 nutrition in plant, class 7th. In class 6th we learned that food is essential for all living organism. You also learned that carbohydrate, protein, fats, vitamins and minerals are the component of food. These component of the food are necessary for our body and are called as nutrients. सिक्स क्लास में आप लोगों ने पढ़ा है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके लिए फूड जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। हमने ये भी पढ़ा है कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन और मिनरल्स जो हैं दीज आर द सम कंपोनेंट ऑफ फूड। ये जो कंपोनेंट होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए बहुत नेसेसरी होते हैं, इन कंपोनेंट्स को कहते हैं न्यूट्रिएंट्स। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर फूड। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उन्हें फूड की रिक्वायरमेंट होती है। प्लांट कैन मेक देयर फूड देमसेल्फ बट एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन कैन नॉट। प्लांट जो होते हैं अपना फूड खुद ब खुद बना सकते हैं, लेकिन जो एनिमल्स होते हैं चाहे ह्यूमन बींग्स हैं, हम अपना फूड जो है खुद सिंथेसाइज नहीं कर सकते। दे गेट इट फ्रॉम द प्लांट्स और एनिमल डैट ईट प्लांट। Thus the humans and animals are directly or indirectly depend on the plant. Animals या human beings जो हैं वो अपना food जो है या तो plant से लेते हैं या फिर animal से लेते हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो directly या indirectly animals और जो human beings हैं वो plant के ऊपर ही अपने food के लिए depend करते हैं। 1.1 Mode of nutrition in plant. Plant are the only organism that can prepare food for themselves by using water, carbon dioxide and minerals. Plant ही सिर्फ ऐसे organisms हैं जो अपना food खुद बनाते हैं by using water, carbon dioxide and minerals. The raw material are present in their surrounding. जो raw material होता है जैसे कि water, carbon dioxide या minerals हैं वो उनकी सराउंडिंग में ही प्रेजेंट होता है। द न्यूट्रिएंट एडिबल्स लाइक ऑर्गेनिज्म टू बिल्ड देयर बॉडीज, टू ग्रो, टू रिपेयर डैमेज पार्ट ऑफ देयर बॉडीज एंड प्रोवाइड द एनर्जी टू कैरी आउट लाइफ प्रोसेस। जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो हम न्यूट्रिएंट्स ऑर्गेनिज्म जो हैं लेते हैं, जो ह्यूमन बींग्स लेते हैं, उनका क्या काम है? बॉडी को बिल्डअप कर सकें, अपनी बॉडी का ग्रो कर सकें। अगर कोई डैमेज पार्ट है हमारी बॉडी में तो उसकी हम डैमेज को ठीक कर सकें। एंड आल्सो प्रोवाइड एनर्जी टू कैरी आउट अवर लाइफ प्रोसेसेस। नाउ न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी। ह्यूमन बींग्स या ऑर्गेनिज्म जो है न्यूट्रिएंट्स लेते हैं अपनी बॉडी के जो भी लाइफ प्रोसेस हैं उसमें उसको यूटिलाइज कर सके। The mode of nutrition in which organism make food themselves from simple substances is called autotrophic. Auto means self, tropes means nourishment or nutrition. Now, the mode of nutrition in which ऐसा mode जो है nutrition का जिसमें एक organism जो है खुद ब खुद अपने लिए भोजन बना रहा है, food बना रहा है from simple substances, ऐसे mode of nutrition को कहते हैं autotrophic. ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, ट्रोप्स का मतलब होता है नरिशमेंट। देयरफॉर प्लांट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रोप्स, इसलिए हम प्लांट्स को ऑटोट्रोप्स कहते हैं। एनिमल एंड द मोस्ट अदर ऑर्गेनिज्म टेक इन रेडीमेड फूड प्रिपेयर्ड बाय द प्लांट, दे आर कॉल्ड द हीटरोट्रोप्स। हीटरो मींस अदर। अब जो एनिमल्स हैं या मोस्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो रेडीमेड फूड जो है लेते हैं, डैट मीन्स कि वो अपना फूड खुद से नहीं बनाते हैं, अपने फूड के लिए वो प्लांट के ऊपर डिपेंड करते हैं। सो दे आर नोन एज द हीटरोट्रोप्स। नाउ वी मेक आस्क वेयर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ द प्लांट आर लोकेटेड। तो अब हमें ये जानने की कोशिश करनी चाहिए कि जो प्लांट्स होते हैं उसमें फूड फैक्ट्रीज कहाँ पे होती है। वेयर द फूड मेड इन ऑल द पार्ट ऑफ द प्लांट्स और ओनली इन अ सर्टन पार्ट्स। क्या प्लांट में सभी पार्ट्स में जो है फूड की मैन्युफैक्चरिंग होती है या कुछ एक सर्टन पार्ट्स हैं जहाँ पे फूड बनता है। हाउ डू प्लांट्स ऑब्टेन द रॉ मटेरियल फ्रॉम द सराउंडिंग। और जो प्लांट्स होते हैं वो कैसे रॉ मटेरियल्स को अपने तक पहुंचाते हैं या उनको एब्जॉर्ब करते हैं। हाउ डू दे ट्रांसफर देम टू द फूड फैक्ट्रीज ऑफ द प्लांट। और कैसे ये जो भी मटेरियल्स होते हैं या रॉ मटेरियल्स होते हैं उनको कैसे प्लांट जो हैं ऐसे पर्टिकुलर जगह तक पहुंचाते हैं जहाँ पे
फूड फैक्ट्रीज हैं या वो पार्ट है जहाँ पे फूड जो है बनाया जा रहा है. नाउ 1.2 दैट इज द फोटोसिंथेसिस, फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट. फोटोसिंथेसिस क्या होता है? फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट. लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ द प्लांट. सिंपल सी है कि जो प्लांट्स होते हैं उसकी जो फूड फैक्ट्री है वो लीव्स होती हैं. द सिंथेसिस ऑफ द फूड इन द प्लांट अकर इन लीव्स. जो भी सिंथेसिस हो रहा है फूड का वो होता है लीव्स के अंदर. देयरफॉर ऑल द रॉ मटेरियल्स सच एज रिच देयर वाटर एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन द सोयल आर एब्जॉर्ब बाय द रूट. नाउ जितने भी मटेरियल है, रॉ मटेरियल है, चाहे वो पानी है या मिनरल्स हैं, वो सोयल से एब्जॉर्ब करते हैं बाय द मीन ऑफ देयर रूट्स. देन दीज आर ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स. उसके बाद उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है लीव्स में. कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर इज टेकन इन थ्रू द टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ लीव्स. और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एयर से ली जाती है और लीव्स में छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं, उनमें से कार्बन डाइऑक्साइड जो है लीव्स में एंटर करती है. दीज पोर्स आर सराउंड बाय द गार्ड सेल्स. ये जो पोर्स होते हैं उन वो सराउंड अप होते हैं दूसरे सेल से जिन्हें गार्ड सेल्स बोलते हैं. सच पोर्स आर कॉल्ड द स्टोमेटा. और इन पोर्स को कहा जाता है स्टोमेटा. यहाँ पे हम एक सेल टर्म को यूज कर रहे हैं. नाउ व्हाट इज अ सेल? सेल, यू हैव सीन दैट द बिल्डिंग्स आर मेक ऑफ ब्रिक्स. आपको पता है कि जो बिल्डिंग्स होती हैं वो ब्रिक्स से बनती है. सिमिलरली द बॉडी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ टाइनी यूनिट्स कॉल्ड द सेल. उसी तरह जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी जो बॉडीज होती है छोटे छोटे यूनिट से मिलकर बनी होती है. दे आर नोन एज द सेल. सेल कैन बी सीन ओनली अंडर द माइक्रोस्कोप. सेल को हम सिर्फ माइक्रोस्कोप के अंडर ही देख सकते हैं. सम ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ ओनली वन सेल्स. कुछ एक ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिसमें सिर्फ एक ही सेल प्रेजेंट होता है. डैट मीन्स कि वो यूनिसेलुलर होते हैं. द सेल इज इनक्लोज्ड बाय अ थिन आउटर बाउंड्री कॉल्ड द सेल मेम्ब्रेन. जो सेल है सेल के आउटर मोस्ट जो कवरिंग होती है उसको सेल मेम्ब्रेन कहते हैं. मोस्ट सेल्स हैव अ डिस्टिंक्ट सेंट्रली लोकेटेड स्फेरिकल स्ट्रक्चर कॉल्ड द न्यूक्लियस. मोस्ट ऑफ सेल्स में जो है एक डिस्टिंक्ट सेंटर लोकेटेड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जो स्फेरिकल होता है स्ट्रक्चर में. डैट इज कॉल्ड एज द न्यूक्लियस. न्यूक्लियस को हम सेल का ब्रेन भी कहते हैं. द सेल द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय जेली लाइक सब्सटेंस कॉल्ड द साइटोप्लाज्म. और जो न्यूक्लियस होता है उसके चारों तरफ एक जेली लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसे बोलते हैं साइटोप्लाज्म. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल. हियर इज द न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, और जो बाहर की जो बाउंड्री दिखाई दे रही है वो जो है वो सेल मेम्ब्रेन है. जो टाइनी पोर्स प्रेजेंट थे लीव्स के ऊपर उनको कहते हैं हम स्टोमेटा. वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स बाय द वेसल्स विच रन्स लाइक द पाइप थ्रू आउट द रूट स्टेम ब्रांचेस एंड लीव्स. जो पानी होता है और जो मिनरल्स हैं प्लांट में जो एब्जॉर्ब करता है वो अपने रूट्स के थ्रू वो लीव्स तक पाइप लाइक स्ट्रक्चर से जो है पहुंचाए जाते हैं. और ये पाइप लाइक स्ट्रक्चर जो है उनको कहते हैं जाइलम. दे फॉर्म अ कंटिन्यूस पाथ और द पैसेज फॉर द न्यूट्रिएंट टू रीच द लीव. वो एक कंटिन्यूस पाथ जो है एक पैसेज बनाते हैं जिसकी वजह से जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं बड़े इजीली से लीफ तक पहुंच जाते हैं. यू विल लर्न अबाउट द ट्रांसपोर्ट ऑफ द मटेरियल इन प्लांट्स इन चैप्टर 11. आप इसके बारे में 11th चैप्टर में पढ़ेंगे कि किस तरह से प्लांट में ट्रांसपोर्ट जो है मटेरियल का होता है. नाउ द लीव्स हैव अ ग्रीन पिगमेंट दैट इज कॉल्ड एज द क्लोरोफिल. जो भी लीफ में ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट होता है उसको हम बोलते हैं क्लोरोफिल. इट हेल्प लीव्स टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ द सनलाइट. लीव्स में जो भी सनलाइट आती है उसको कैप्चर करने के लिए ये क्लोरोफिल जो है हेल्प करता है. क्लोरोफिल ऐसा पिगमेंट होता है जो सनलाइट को कैप्चर करता है. दिस एनर्जी इज यूज टू सिंथेसाइज फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. वही एनर्जी यूज होती है फूड को सिंथेसाइज करने के लिए फ्रॉम सिंपलर मॉलिक्यूल्स लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. सिंस द सिंथेसिस ऑफ द फूड अकर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. अब जो फूड की सिंथेसिस होती है वो सनलाइट की ही प्रेजेंस में होती है. सो इट इज कॉल्ड एज द फोटोसिंथेसिस. जो फोटोसिंथेसिस जो नेम है, फोटो मीन्स लाइट, सिंथेसिस मीन्स टू कंबाइन.
सो ये जो नेम आया है फोटोसिंथेसिस इसीलिए आया है क्योंकि जो फूड की सिंथेसिस हो रही है प्लांट्स में वो हो रही है इन द प्रेजेंस ऑफ द सनलाइट. सो वी फाइंड दैट द क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड द वाटर आर द नेसेसरी टू कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ द फोटोसिंथ. तो अभी तक हमें पता चल गया है कि कार्बन डाइऑक्साइड, सन लाइट हो गई आपकी, क्लोरोफिल हो गया या वाटर हो गया या मिनरल्स हो गए, वो बहुत ज़्यादा जरूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए. इट इज़ एन यूनिक प्रोसेस ऑन द अर्थ. अर्थ के ऊपर ये बहुत ही यूनिक प्रोसेस है. द सोलर एनर्जी इज कैप्चर्ड बाय द लीव्स. जो सोलर एनर्जी है वो लीव्स के द्वारा कैप्चर की जाती है बाय द मीन ऑफ द ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल एंड स्टोर इन द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ फूड. और उसके बाद वो फूड के फॉर्म में प्लांट्स में स्टोर हो जाती है. Thus, the sun is the ultimate source of energy for all the living organism. इसलिए कहा जाता है कि जो सन है वो अल्टीमेट सोर्स है एनर्जी का फॉर ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म. क्योंकि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो हर्बीवोर्स है, कार्निवोर्स है या ओमनीवोर्स हैं, वो डिपेंड करते हैं प्लांट्स के ऊपर. और जो प्लांट्स हैं वो अपना जो फूड है वो बनाते हैं बाय द कैप्चरिंग ऑफ द सोलर एनर्जी विच स्टोर एज ए फूड इन इट. कैन यू इमेजिन लाइफ ऑन अर्थ इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस. क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि अगर फोटोसिंथेसिस अर्थ पे ना हो तो लाइफ कैसी हो जाएगी. इन द एब्सेंस ऑफ द फोटोसिंथेसिस देयर वुड बी नॉट बी एनी फूड. अगर फोटोसिंथेसिस नहीं है, एब्सेंस हो जाती है उसकी, तो हमारी धरती के ऊपर कोई भी फूड प्रेजेंट नहीं होगा. द सर्वाइवल ऑफ ऑलमोस्ट ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन द फूड मेड बाय द प्लांट्स. जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, वो डिपेंड करते हैं प्लांट्स के ऊपर फॉर देयर फूड. बिसाइड ऑक्सीजन विच इज नेसेसरी फॉर द सर्वाइवल. और साथ में जो ऑक्सीजन है वो बहुत ही नेसेसरी है फॉर सर्वाइवल. एट लीव्स फोटोसिंथेसिस आल्सो टेक प्लेस इन अदर ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट इन ग्रीन स्टेम एंड ग्रीन ब्रांचेस. सिर्फ लीव्स में ही फोटोसिंथेसिस नहीं होती है, ग्रीन स्टेम और ग्रीन ब्रांचेस में भी फोटोसिंथेसिस होती है. द डेजर्ट प्लांट्स हैव द स्केल और द स्पाइन लाइक लीव्स टू रिड्यूस द लॉस ऑफ वाटर बाय ट्रांसपीरेशन. डेजर्ट के प्लांट्स होते हैं, उसके जो लीव्स होते हैं या तो वो स्केल लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाते हैं या स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाते हैं टू रिड्यूस द लॉस ऑफ द वाटर बाय ट्रांसपीरेशन. ताकि जो ट्रांसपीरेशन के थ्रू जो वाटर का लॉस हो रहा है उसको रिड्यूस किया जा सके. दीज प्लांट्स हैव द ग्रीन स्टेम विच कैरी आउट फोटोसिंथेसिस. और ऐसे जो प्लांट्स होते हैं जो डेजर्ट्स में प्रेजेंट होते हैं, उनका जो स्टेम होता है वो ग्रीन कलर का होता है. जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो है चलता है वो उसी ग्रीन स्टेम में चलता है. फॉर एग्जाम्पल कैक्टस. ऑक्सीजन इज इसेंशियल फॉर ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस. नाउ जो ऑक्सीजन होती है वो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत ही जरूरी होती है. और ये प्रोड्यूस कब होती है? ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस. जब फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस चल रहा होता है, एक तरफ से जो प्लांट्स होते हैं वो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और जो गैस वो रिलीज करते हैं वो ऑक्सीजन होती है, विच इज मोर इसेंशियल फॉर ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म. इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस लाइफ वुड बी इम्पॉसिबल ऑन अर्थ. अगर अर्थ के ऊपर फोटोसिंथेसिस जो है अब्सेंट हो जाए, दैट मीन्स कि जो प्लांट्स है वो फोटोसिंथेसिस ना करें, तो हमारे अर्थ के ऊपर लाइफ जो है वो इम्पॉसिबल हो जाएगी. ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल कंटेन्ड सेल्स ऑफ द लीव्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट यूज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर टू सिंथेसाइज द कार्बोहाइड्रेट. द प्रोसेस कैन बी रिप्रेजेंटेड एज एन इक्वेशन. ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस जो प्लांट्स होते हैं they use carbon dioxide and water to synthesize the carbohydrate in the presence of sunlight and pigment chlorophyll. इस प्रोसेस को हम इक्वेशनली भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. जैसे कि यहाँ पे दिया है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल इट गिव्स कार्बोहाइड्रेट्स एंड ऑक्सीजन. इन दिस फिगर द डायग्राम शोइंग द फोटोसिंथेसिस. हेयर द रूट्स जो हैं वो वाटर और मिनरल्स एब्सॉर्ब कर रही हैं और जो लीव्स हैं जिसमें कि क्लोरोफिल प्रेजेंट है, जो ग्रीन लीव्स हैं, वहां पे थ्रू स्टोमेटा कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एंटर कर रही है और सन की प्रेजेंस में जो लाइट एनर्जी है उसको कैप्चर किया जा रहा है. फोटोसिंथेसिस यहाँ पे कैरी आउट होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है कंबाइन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और क्लोरोफिल एंड दे फॉर्म द कार्बोहाइड्रेट
और लीव्स से ऑक्सीजन जो है वो रिलीज अप होती है. दिस ऑक्सीजन इज मोर इसेंशियल फॉर ऑल द लिविंग बींग्स. इन फिगर 1.2 अ लीफ इज प्रेजेंट. फिगर बी है उसमें अ सेक्शन थ्रू अ लीफ, एक लीफ का सेक्शन कट किया गया है जिसमें कि हमें गार्ड सेल्स दिख रहे हैं, स्टोमेटा दिख रहे हैं और कुछ एक सेल्स दिख रहे हैं जहां पे क्लोरोफिल जो है पिगमेंट प्रेजेंट है. जो फिगर सी है वो स्टोमेटा की है, इसमें आपको एक पोर दिखाई दे रहा है जिसे स्टोमेंटल ओपनिंग कहते हैं. कवर अप है दो सेल्स के साथ जिसको बोलते हैं गार्ड सेल्स. नाउ ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑक्सीजन इज रिलीज्ड. अब जो फोटोसिंथेसिस हो रहा है यहाँ पे, जो भी हमारे पे इक्वेशन जो है यहाँ पे दी गई है कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर मिल रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, इट गिव्स ऑक्सीजन एंड कार्बोहाइड्रेट. तो ड्यूरिंग दिस प्रोसेस जो ऑक्सीजन है वो रिलीज होती है एंड द कार्बोहाइड्रेट अल्टीमेटली गेट कन्वर्टेड इंटू स्टार्च. और जो कार्बोहाइड्रेट यहाँ पे बन रहे हैं वो बाद में स्टार्च में कन्वर्ट हो जाते हैं. द प्रेजेंस ऑफ द स्टार्च इन लीव्स इंडिकेट द अकरेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस. अगर लीव में स्टार्च की प्रेजेंस है तो वो बताते हैं कि वहां पे फोटोसिंथेसिस जो है प्रोसेस हुआ था. द स्टार्च इज आल्सो अ कार्बोहाइड्रेट. और जो स्टार्च है वो भी एक कार्बोहाइड्रेट का ही फॉर्म है. Now we perform a activity. Activity 1.1. Take two potted plants of the same kind. एक ही तरह के दो प्लांट्स जो है हमने ले रहे हैं. Keep one in the dark or in a black box. एक प्लांट को हमने डार्क में रखना है या फिर किसी ब्लैक बॉक्स में रख देना है for 72 hours के लिए. And other in the सनलाइट, और दूसरे को जो है सनलाइट में हमने रख देना है. परफॉर्म आयोडीन टेस्ट विद द लीफ ऑफ द बोथ द प्लांट्स एज यू डिड इन द क्लास 6. जैसे आपने क्लास 6 में आयोडीन का टेस्ट किया था वैसे ही टेस्ट अब हम इन प्लांट्स की लीव्स के साथ करेंगे. रिकॉर्ड योर रिजल्ट, और उसके बाद अपने रिजल्ट को हमने रिकॉर्ड करना है. नाउ लीव द पॉट विच वॉज अर्लियर केप्ट इन द डार्क इन द सनलाइट फॉर 3 to 4 days एंड परफॉर्म द आयोडीन टेस्ट अगेन on its leaves. Record your observation in your notebook. उस पोट हमने अंधेरे रूम में रखा था या ब्लैक बॉक्स के अंदर रखा था, उस पोट को हमने निकालना है और उसको सनलाइट में रखना है 3 to 4 days. उसके बाद फिर से हमने आयोडीन टेस्ट अगेन से परफॉर्म करना है और अपनी ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड करना है. द लीव्स अदर देन ग्रीन ऑल्सो हैव द क्लोरोफिल. ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो ग्रीन लीव्स होते हैं उसमें ही क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, जो ग्रीन नहीं भी है उनमें भी क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है. द लार्ज अमाउंट ऑफ रेड ब्राउन एंड अदर पिगमेंट मार्क्स द ग्रीन कलर. नाउ फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन दीज लीव्स आल्सो. लेकिन जो फोटोसिंथेसिस है अगर हम इन लीव्स में भी करेंगे तो उसमें भी वो कैरी आउट हो. यू ऑफन सी द स्लाइमी ग्रीन पैचेस ऑन पॉन्ड और इन अदर स्टैग्नेंट वाटर बॉडीज. आपने बड़ी बार देखा होगा कि कुछ एक स्लाइमी सी लेयर या ग्रीन पैचेस जो है पॉन्ड के नजदीक या ऐसी वाटर बॉडीज के पास जो है वहां पे प्रेजेंट होता है. दे आर जनरली फॉर्म्ड बाय द ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनिज्म कॉल्ड द एल्गी. तो वो जो ग्रीन पैचेस होते हैं या स्लाइमी सी जो लेयर होती है वो क्या है, डेट इज द ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म डेट इज कॉल्ड एज द एल्गी. कैन यू गेस वाई द एल्गी आर ग्रीन इन कलर. दे contain chlorophyll which gives them the green color. क्या आप ये guess कर सकते हैं कि जो color होता है algae का वो green क्यों होता है? तो simple सा है कि उनमें भी chlorophyll present होता है इसलिए उनका जो color होता है वो green होता है. Algae can also prepare their food by photosynthesis. तो algae जो है वो भी अपना जो food है photosynthesis से prepare कर लेते हैं. Now synthesis of plant food other than the carbohydrate. You have just learned that the plant synthesizes carbohydrate through photosynthesis. अभी तक हमने ये पढ़ा है कि जो प्लांट्स होते हैं वो फोटोसिंथेसिस के थ्रू कार्बोहाइड्रेट्स को बनाते हैं. The carbohydrate are made of carbon, hydrogen and oxygen. जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो तीन कंपोनेंट से मिलकर बने होते हैं, कार्बन से, हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से. These are used to synthesize other component of the food such as the protein and fats. और यही वो कंपोनेंट है जिससे दूसरे जो फूड मटेरियल है वो भी बनते हैं, जैसे प्रोटीन हो गया या फैट्स होगी. बट द प्रोटीन्स आर द नाइट्रोजिनस सब्सटेंसेस विच कंटेन द नाइट्रोजन. लेकिन जो प्रोटीन होते हैं उसमें नाइट्रोजन जो है प्रेजेंट होती है, सो दैट दे आर कॉल्ड एज अ नाइट्रोजिनस सब्सटेंसेस. जो प्लांट्स हैं वो नाइट्रोजन को कहाँ से ऑब्टेन करते हैं? वी कॉल दैट नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन द एबंडेंस इन गैसेस फॉर्म इन द एयर.
आपको पता है हमारे एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा जो है वो नाइट्रोजन 78% में प्रेजेंट है। हाउएवर प्लांट्स कैन नॉट एब्जॉर्ब नाइट्रोजन इन दिस फॉर्म, लेकिन जो प्लांट्स होते हैं वो इसी फॉर्म में जो है नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं। सोइल हैज सर्टन बैक्टीरिया डेट कन्वर्ट गैसेस नाइट्रोजन इन टू अ यूजेबल फॉर्म एंड रिलीज इट इन टू द सोइल। अब सोइल में कुछ एक ऐसे बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं जो इस गैसेस नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देते हैं ऐसी फॉर्म में जो रिलीज हो जाती है सोइल में, और सोइल से जो प्लांट है फिर उसको एब्जॉर्ब कर सकते हैं। दीज सोल्युबल फॉर्म आर एब्जॉर्ब बाय द प्लांट अलोंग विद द वाटर, और ये जो सोल्युबल फॉर्म होती है नाइट्रोजन की वो प्लांट्स जो है विद द वाटर के साथ उसको एब्जॉर्ब करते हैं। आल्सो यू माइट हैव सीन द फार्मर एडिंग द फर्टिलाइजर रिच इन द नाइट्रोजन टू द सोइल। आपने बड़ी बार देखा होगा कि कुछ एक जो फार्मर्स होते हैं ऐसे फर्टिलाइजर का यूज करते हैं जिसमें कि नाइट्रोजन बहुत ज्यादा हो। इन दिस वे द प्लांट फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट ऑफ द नाइट्रोजन अलोंग विद द अदर कंस्टिट्यूएंट्स। इन दिस वे प्लांट जो है अपनी जो नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट होती है वो पूरी कर लेते हैं। प्लांट्स कैन then synthesize the component of the food other than the carbohydrates such as protein and fat. तो plants जो हैं सिर्फ carbohydrate ही synthesize नहीं करते हैं बल्कि other जो forms हैं food की जैसे protein और fat है उसको भी वो synthesize कर पाते हैं। Next जो topic है that is the 1.3 other mode of nutrition in plant. other mode जो है nutrition के वो plants में क्या क्या है। अभी तक हमने पढ़ा कि autotrophs है, that means कि जो plants होते हैं वो अपना जो food है खुद synthesize करते हैं। there are some plants which do not have the chlorophyll. कुछ एक ऐसे plants होते हैं जिसमें chlorophyll जो है present नहीं होती है। they cannot synthesize their food, इसलिए वो अपना food जो है synthesize नहीं कर पाते हैं। how do they survive and form, where do they ड्राइव न्यूट्रिशन, अब वो सर्वाइव कैसे करते हैं या फिर अपनी न्यूट्रिशन को कहाँ से लेते हैं। लाइक ह्यूमन एंड एनिमल्स सच प्लांट्स डिपेंड ऑन द फूड प्रोड्यूस बाय द अदर प्लांट्स। अब जैसे ह्यूमन बींग्स हैं या एनिमल्स हैं जैसे वो डिपेंड करते हैं प्लांट्स के ऊपर अपने फूड के लिए, वैसे ही कुछ एक ऐसे प्लांट्स भी होते हैं जो दूसरे प्लांट्स के ऊपर अपने फूड के लिए डिपेंड करते हैं। दे यूज द हीटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इसलिए वो हीटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को अपनाते हैं। लुक एट द फिगर 1.5। डू यू सी येलो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर ट्विंग अराउंड द स्टेम एंड द ब्रांचेस ऑफ द ट्री। दिस इज अ प्लांट कॉल्ड द कसकटा, दैट इज अमरबेल। इट डज नॉट हैव द क्लोरोफिल, इट टेक्स रेडीमेड फूड फ्रॉम द प्लांट। फिगर 1.5 में आपको एक येलो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर जो है एक ट्री के स्टेम पर या उसकी ब्रांचेस के ऊपर ट्विंग करता हुआ दिखेगा। दिस प्लांट इज कॉल्ड द कसकटा या अमरबेल कहते हैं। जो अमरबेल होती है उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता है और ये रेडीमेड फूड जो है प्लांट से ऑब्टेंड करते हैं। फिगर 1.5 में जो कसकटा है जो अमरबेल है वो अपने होस्ट प्लांट के ऊपर आपको दिखाई दे देगी। ये देखिए यहाँ पे जो भी ये येलो कलर की जो भी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है वो सारा का सारा कसकटा है, उसके पास खुद का कोई भी क्लोरोफिल नहीं है, इसलिए वो दूसरे प्लांट से जो है अपने लिए फूड रेडीमेड फूड जो है वो ऑब्टेंड कर रहा है। अमरबेल होती है जिस भी पेड़ के ऊपर ये क्लाइम अप करती है वहीं से वो अपना फूड जो है वो रेडीमेड फूड जो है ऑब्टेंड करती है। द प्लांट ऑन विच इट क्लाइम इट इज कॉल्ड द होस्ट, और जो प्लांट जिसके ऊपर ये क्लाइम अप करती है उसको होस्ट बोलते हैं। सिंस इट ड्राइव द होस्ट ऑफ द वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट इट इज आल्सो कॉल्ड अ पैरासाइट। जो अमरबेल होती है वो अपने होस्ट प्लांट के वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करती है, इसलिए इसको कहते हैं हम पैरासाइट। आर वी एंड द अदर एनिमल आल्सो पैरासाइट ऑन द प्लांट्स। हैव यू सीन और हर्ड ऑफ ए प्लांट डैट कैन ईट एनिमल्स, क्या आपने कभी कोई ऐसा प्लांट देखा है या किसी ऐसे प्लांट के बारे में सुना है जो एनिमल्स को खा जाते हैं। There are a few plant which can trap insect and digest them. यहाँ पे कुछ एक ऐसे plants होते हैं जो insect को trap करते हैं और उनको digest करते हैं, उनको खा जाते हैं। It is not amazing, ये amazing की बात नहीं है। Such plant may be green or of some other color. ये जो plants होते हैं green भी हो सकते हैं या दूसरे color के भी हो सकते हैं। Look at the plant in the figure 1.6. In figure 1.6 में पीछे plant जो है वो
दिखाई दे रहा है। पीछे प्लांट में जो है एक पीछे लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसके ऊपर जो है एक लीड लगी होती है। जब इंसेक्ट यहाँ पे आता है तो ये लीड जो है बंद हो जाती है और इंसेक्ट जो है इसमें बंद इस पीचर लाइक स्ट्रक्चर में बंद हो जाता है और यहाँ पे डाइजेस्टिव जूसेज जो है सिक्रीट अप होती है और जो वो इंसेक्ट होता है वो डाइजेस्ट हो जाता है। पीचर प्लांट में जो पीचर होता है वो एक मॉडिफाइड पार्ट होता है लीव का। द एपेक्स ऑफ द लीव फॉर्म अ लीड विच कैन ओपन एंड क्लोज द माउथ ऑफ द पीचर। अब क्या हो रहा है, जो एपेक्स होता है लीव का वो एक लीड लाइक स्ट्रक्चर बनाता है जो ओपन भी कर सकता है और क्लोज भी कर सकता है पीचर के माउथ को। इनसाइड द पीचर देयर आर हेयर विच आर डायरेक्टली डाउनवर्ड। और पीचर में कुछ एक हेयर जो है प्रेजेंट होते हैं जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में प्रेजेंट होते हैं। व्हेन एन इंसेक्ट लैंड्स इन द पीचर द लीड क्लोज एंड द ट्रैप्ड इंसेक्ट गेट इंटेंगल्ड इन टू द हेयर। जैसे ही कोई इंसेक्ट पीचर में आके बैठता है तो जो लीड होती है वो क्लोज हो जाती है और उन हेयर्स में वो इंसेक्ट जो है वो ट्रैप हो जाता है। द इंसेक्ट इज डाइजेस्टेड बाय द डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीटेड इन द पीचर। और जो इंसेक्ट है वो डाइजेस्टिव जूसेस से डाइजेस्ट हो जाता है। सच इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स आर कॉल्ड द इंसेक्टिवोरस प्लांट। ऐसे प्लांट जो इंसेक्ट्स को खाते हैं उनको हम कहते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट। इज इट पॉसिबल डैट सच प्लांट डू नॉट गेट ऑल द रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सोइल इन विच दे ग्रो। क्या ये पॉसिबल है कि जो प्लांट्स उस सोइल में ग्रो कर रहे होते हैं तो उसमें से वो न्यूट्रिएंट्स उनको नहीं मिल रहे होते हैं इसलिए वो इंसेक्ट्स को खाते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज 1.4 सैप्रोट्रोप्स। यू माइट हैव सीन द पैकेट्स ऑफ द मशरूम सोल्ड इन द वेजिटेबल मार्केट। आपने मार्केट में मशरूम्स को पैकेट्स में बिकते हुए देखा होगा। यू मे हैव आल्सो सीन द फ्लफी अम्ब्रेला लाइक पैचेस ग्रोइंग ऑन द रोटिंग वुड ड्यूरिंग द रेनी सीजन। या फिर आपने रेनी सीजन में कोई जो वुड है वो सड़ रही है और वहां पे एक अम्ब्रेला लाइक जो है स्ट्रक्चर और या पैच जो है आपने देखा होगा। लेट अस फाइंड आउट व्हाट टाइप ऑफ द न्यूट्रिएंट्स दे नीड टू सर्वाइव एंड फ्रॉम वेयर दे गेट फ्रॉम। नाउ ये जो सैप्रोट्रोप्स होते हैं ये किस तरह का न्यूट्रिएंट जो है इनको चाहिए होता है अपने सर्वाइवल के लिए और इन्हें ये न्यूट्रिएंट्स कहाँ से मिलते हैं। Now this is the structure of the packet of the mushroom and a mushroom growing on the decaying material. अब ये मशरूम जो है पैकेट में है यहाँ पे और ये जो मशरूम है एक decaying जो material है उसके ऊपर जो है grow कर रहा है। These organisms are called fungus. They have a different mode of nutrition. इनका जो mode of nutrition होता है वो बिल्कुल ही different होता है। They secrete digestive juices on the dead and decaying matter एंड कन्वर्ट इट इन टू अ सोल्यूशन। ये क्या करते हैं जो फंगस होती है वो क्या करती है कि अपने जो भी डाइजेस्टिव जूसेस हैं किसी भी डेड या डिकेइंग मैटर के ऊपर छोड़ते हैं सिक्रीट करते हैं और उसके बाद वो जो मटीरियल होता है डेड और डिकेइंग मटीरियल होता है उसको कन्वर्ट कर देते हैं एक सोल्यूशन में। देन दे एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट फ्रॉम इट और उस सोल्यूशन से वो न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करते हैं। This mode of nutrition in which the organism take in nutrient in the solution form from dead and decaying matter is called the saprotrophic nutrition. ऐसा mode of nutrition जिसमें कोई organism जो है nutrient को solution के form में ले रहे हैं किसी भी dead या decaying matter से तो उसको हम कहते हैं saprotrophic nutrition. Plant which use the saprotrophic mode of nutrition are called the saprotrophs. और ऐसे plants जो saprotrophic nutrition से जो है अपनी nutrition लेते हैं उनको हम कहते हैं saprotroph. Now fungi also grow on the pickle, leather, clothes and other article that are left in the hot and humid weather for long time. अब जो fungus होते हैं वो pickle पे भी ग्रो करते हैं, लेदर पे भी ग्रो करते हैं, कपड़ों पे ग्रो करते हैं या कोई और आर्टिकल्स वहाँ पे प्रेजेंट है उन पे भी ग्रो करते हैं। लेकिन इनको ग्रो करने के लिए कैसी कंडीशन चाहिए? हॉट एंड ह्यूमिड वेदर फॉर द लॉन्ग टाइम। अगर लंबे समय के लिए हॉट और ह्यूमिड वेदर वहाँ पे प्रेजेंट है तो वहाँ पे फंगस जो है वो ग्रो करेगी। ड्यूरिंग द रेनी सीजन दे स्पॉइल मैनी थिंग्स। रेनी सीजन में जो फंगस होती है बहुत सारी जो चीजें हैं उनको स्पॉइल कर देती है। द फंगल स्पोर्स आर जनरली प्रेजेंट इन एयर। जो फंगल स्पोर्स होते हैं वो एयर में प्रेजेंट होते हैं। व्हेन दे लैंड ऑन वेट एंड बाम थिंग्स दे जर्मिनेट एंड ग्रो। गीली या गर्म चीज के ऊपर
स्टे करते हैं तो वे वहाँ पे जर्मिनेट कर जाते हैं और ग्रो करते हैं. नाउ कैन यू फिगर आउट हाउ वी कैन प्रोटेक्ट अवर थिंग्स फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड. क्या हम सोच सकते हैं कि हम अपनी जो थिंग्स है उनको स्पॉइल होने से कैसे बचा सकते हैं. सम ऑर्गेनिज्म लिव टुगेदर एंड शेयर शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स. कुछ एक ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो इकट्ठे रहते हैं और अपने शेल्टर और न्यूट्रिएंट्स को शेयर अप करते हैं. दिस इज कॉल्ड द सिम्बायोटिक रिलेशनशिप. को हम सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल सर्टन फंगी लिव इन द रूट्स ऑफ द ट्री. कुछ एक जो फंगस होती है वो ट्रीज की रूट्स में रहती है. द ट्रीज प्रोवाइड न्यूट्रिएंट टू द फंगस एंड इन रिटर्न रिसीव हेल्प फ्रॉम इट टू टेक अप द वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सोइल. जो ट्री होता है वो फंगस को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कर देते हैं जबकि फंगस जो है वाटर और न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं. दिस एसोसिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ट्रीज. ऐसी एसोसिएशन जो होती है वो ट्रीज के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है. इन ऑर्गेनिज्म लाइक लाइकन अ क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर विच इज एन एल्गा एंड ए फंगस लिव टुगेदर. लाइकन जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें एक क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर जो है वो प्रेजेंट होता है. और जो लाइकन्स होते हैं दो पार्टनर से मिलकर बने होते हैं. वन पार्ट जो है वो एल्गा होता है और दूसरा पार्ट जो है वो फंगस होता है. जो एल्गल होते हैं वो क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर होता है जबकि जो फंगस है उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होती है. लेकिन ये दोनों जो पार्टनर है इकट्ठे रहते हैं. इन लाइकन फंगस प्रोवाइड शेल्टर वाटर एंड मिनरल्स टू द एल्गल. अब जो फंगस है लाइकन में वो एल्गल को शेल्टर दे रहा है, वाटर दे रहा है और साथ में मिनरल्स को प्रोवाइड कर रहा है. इन रिटर्न द एल्गल प्रोवाइड फूड विच इज प्रिपेयर्ड बाय द फोटोसिंथेसिस. और इसके रिटर्न में जो एल्गा पार्ट है वो फोटोसिंथेसिस के थ्रू फूड को बनाती है और उसके बाद वो फंगस को प्रोवाइड करवा देती है. नेक्स्ट टॉपिक इज 1.5 हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन द सोइल. हैव यू सीन फार्मर स्प्रेडिंग मैन्योर और फर्टिलाइजर इन द फील्ड or gardener using them in the lawns or in the pots, do you know why they are added to the soil? क्या आपने कभी किसी ऐसे farmer को देखा है जो अपने field में manure या fertilizer को spread up कर रहा है या किसी gardener को जो अपने lawn में या pot में manure या fertilizer को डाल रहा है. Do you know why they are added to the soil? क्या आप जानते हैं कि वो soil में इनको क्यों add करते हैं. You learn that plant absorb minerals, nutrients from the soil. आपको पता ही है अभी तक आप ये चीज़ जान चुके हैं जो plants होते हैं वो soil से minerals जो है या nutrients जो है absorb करते हैं. So their amount in the soil keep on decline. तो उनका जो इन nutrients का या इन minerals का जो भी amount होता है soil में वो धीरे धीरे जो है कम होता जा रहा होता है. Now fertilizer and the manure contain the plant nutrients such as the nitrogen, potassium, phosphorus, etc. अब जो fertilizer होते हैं या manure होती है उसमें plant nutrients जो है वो present होते हैं जैसे nitrogen हो गया, potassium हो गया या phosphorus हो गया. These nutrients need to be added from the time to enrich the soil. ये जो nutrients हैं इनको हमें टाइम टू टाइम सोइल को देना पड़ता है ताकि जो इनकी कमी हो रही है सोइल में वो पूरी की जा सके. वी कैन ग्रो प्लांट एंड कीप देम हेल्दी इफ वी कैन फुलफिल द न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट ऑफ द प्लांट. हम अपने प्लांट को तभी हेल्दी रख सकते हैं जब हम उनकी जो न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायर्ड है उसको पूरा कर सके. क्रॉप रिक्वायर्ड अ लोट ऑफ नाइट्रोजन टू मेक प्रोटीन. यूजुअली क्या होता है जो क्रॉप होती है उसको बहुत सारी नाइट्रोजन की जरूरत होती है ताकि वो प्रोटीन बना सके. आफ्टर द हार्वेस्ट द सोइल बिकम डेफिशिएंट इन द नाइट्रोजन. हार्वेस्टिंग के बाद जो सोइल है उसमें नाइट्रोजन की बहुत कमी हो जाती है. यू लर्न दैट थ्रू द नाइट्रोजन गैस इज अवेलेबल इन प्लेंटी इन द एयर. प्लांट कैन नॉट यूज इट इन द मैनर दे आर यूज कार्बन डाइऑक्साइड. नाउ अब आपको ये पता है कि जो नाइट्रोजन होती है वो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है लेकिन जैसे जो प्लांट्स हैं कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेते हैं थ्रू द एटमॉस्फेयर बाय द स्टोमेटा उसी तरह नाइट्रोजन को वो नहीं ले पाते हैं. दे नीड नाइट्रोजन इन द सोलवल फॉर्म. उनको जो है नाइट्रोजन एक सोलवल फॉर्म में चाहिए होती है. द बैक्टीरियम डेट इज कॉल्ड द राइजोबियम
कैन टेक द एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन एंड कन्वर्ट इट इंटू ए सोलबल फॉर्म। अब एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम है राइजोबियम, वो एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन को लेता है और उसको एक सोलबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। बट राइजोबियम कैन नॉट मेक इट्स ओन फूड, लेकिन जो राइजोबियम है वो अपना फूड जो है खुद सिंथेसाइज नहीं कर पाता है। सो इट लिव्स इन द रूट ऑफ द ग्राम, पी, मूंग, बीन एंड अदर लेग्यूम्स एंड प्रोवाइड देम विद द नाइट्रोजन। इसलिए ये जो बैक्टीरिया राइजोबियम होता है वो ग्राम, पी, मूंग, बीन या जो अदर लेग्यूम्स हैं उनकी रूट्स में प्रेजेंट रहता है एंड प्रोवाइड देम विद द नाइट्रोजन, और उनको नाइट्रोजन प्रोवाइड करता है। मोस्ट ऑफ द पल्सेस आर ऑब्टेन फ्रॉम द लेग्यूमिनस प्लांट्स, इन रिटर्न द प्लांट प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर टू द बैक्टीरिया। मोस्ट ऑफ दालें जो होती हैं वो लेग्यूमिनसी प्लांट्स में ही आती हैं और इन प्लांट्स के रूट्स में ये बैक्टीरिया जो है रजिस्ट करता है। ये जो बैक्टीरिया होता है वो उनको नाइट्रोजन प्रोवाइड करता है इन सोल्युबल फॉर्म में, इसके रिटर्न में प्लांट्स उसको फूड और शेल्टर प्रोवाइड करते हैं। दस दे हैव अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, इस तरह उनमें भी एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होती है। दिस एसोसिएशन इज ए ग्रेट सिग्निफिकेंस फॉर फार्मर, ये जो एसोसिएशन है एक ग्रेट सिग्निफिकेंस रखती है हमारे किसानों के लिए। दे डू नॉट नीड टू ऐड द नाइट्रोजन फर्टिलाइजर टू द सोइल इन विच लेग्यूमिनस प्लांट्स आर ग्रोन, इसलिए उन फार्मर्स को जरूरत नहीं होती है कि वो नाइट्रोजन फर्टिलाइजर को उस सोइल में मिलाएं जहाँ पे वो लेग्यूमिनस प्लांट्स को ग्रो कर रहे हैं। इन दिस चैप्टर यू लर्न दैट मोस्ट ऑफ द प्लांट आर द ऑटोट्रोप्स, इस चैप्टर में हमने जाना है कि मोस्ट ऑफ द जो प्लांट्स होते हैं वो ऑटोट्रोप्स होते हैं। ओनली अ फ्यू प्लांट्स अडोप्ट अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन, कुछ एक ही ऐसे प्लांट्स होते हैं जो दूसरे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को अडोप्ट करते हैं, जैसे कि पैरासिटिक हो गए या सेप्रोट्रोपिक हो गए। दे ड्राइव न्यूट्रिशन फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म, इसमें जो है पैरासिटिक एंड सेप्रोट्रोप्स में क्या हो रहा है कि वो अपनी न्यूट्रिशन जो है दूसरे ऑर्गेनिज्म से ले रहे हैं। ऑल एनिमल्स आर कैटेगराइज्ड एज हीटरोट्रोप्स सिंस दे डिपेंड ऑन प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स फॉर देयर फूड, जितने भी एनिमल्स होते हैं हम उनको हीटरोट्रोप्स कहते हैं क्योंकि वो अपने फूड के लिए या तो प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं या फिर एनिमल्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। कैन वी से डैट द इंसेक्टिवोरस प्लांट आर पार्शियल हीटरोट्रोप्स, क्या हम ये कह सकते हैं कि इंसेक्टिवोरस प्लांट जो है कुछ एक हद तक हीटरोट्रोप्स होते हैं। तो दिस इज द एंड ऑफ योर चैप्टर, हियर इज द सम कीवर्ड्स जो आपने इस चैप्टर में